यूट्यूबर बने हुए हैं। आज हम लोग का पांचवा दिन है, चौथा अरे छह तारीख है ना, इस देख लो इसका तो मुंह से पता चल रहा होगा। तो भाई यार सोचे ना क्या क्या करेंगे, लेकिन क्या क्या ऊपर के नाम पे तो कैमरा देख मिला। अरे हर एंगल से दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे टाइप के भी होते हैं, तरह तरह की नस्ल होती है। तो चलो ठीक है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, दिल्ली का सुअर है ये थोड़ा सा एडवांस है, कूल है, असल में जेंजी में आता भी है। हम लोग एकदम जेंजी जब स्टार्ट हुआ था हम लोग वहाँ के हैं, ये थोड़ा सा पुराना है, मतलब नया है। तो यार सोचा तो बहुत कुछ था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन रोज कंपनी वाले ऐसा मूड बना देते हैं ना कि बोल नहीं सकता हूँ ऐसे में। तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर, और अब जाके हम सोचे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम क्या क्या कर पाएंगे वो घर जाके ही पता चलेगा। तुम लोग भी सजेस्ट कर दिया करो भाई कुछ की, तू ये किया कर सड़क पे ऐसे कुत्तों की तरह नाचा कर, कुछ भी करो, मेरी नौकरी से तो अच्छा ही होगा भाई, तो सजेस्ट कर दी, कमेंट भर दिया करो भाई, ये किया कर वो किया कर, मैं करूँगा सब करूँगा, बस आइडिया दो मेरे को। अरे सर वो अरे भाई, अबे इतनी बड़ी इतना बड़ा उनका वो है कि इतने वाउचर हैं, ये हैं वो हैं, अब हम एआई थोड़ी हैं यार कि मैं उसको बताया वो भी कहता है, पहले तो इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा सा, फिर बोला कि अच्छा बताओ क्या है, तो मैं बोला सर बहुत सारी चीजें हैं, पूरी सारी चीजें लो तब पता चलेगा, अब इसको कैसे बताते बताओ बताओ टेस्ट करके देखो, बस 15 मिनट का बताया, उसके बाद कहता है जो कि नहीं होगा तो कॉल कर लूंगा, जो कि नहीं करूंगा। प्रोडक्ट में 50 बार अटक गया था, इतनी बड़ी लिस्ट है उसमें कैसे बताए यार, लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही कि इतना ज्यादा कौन पढ़े यार, और वही चीज यूज करना रहेगा तो पगला जाएंगे लोग, कौन सा वाउचर मारूं इसके लिए, जो सामने होटल है तबाह हो जाए साला। हमें बता रहे कॉलेज से बाहर निकलो, वो खुद कॉलेज से नहीं निकल पाए। कौन इसने? हाँ ये तो आप कॉलेज में क्या करते थे, पीपीटी देख के पढ़ देते थे, वो आज कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस कर दिए, पीपीटी देख के पढ़ रहे हैं, कॉलेज से बाहर निकलो भाई, लेकिन 10 रुपया जेब में साला क्या बताऊं, 10 रुपये में सजेस्ट, अभी ऑटो का भाड़ा कौन देगा, चले गए बताओ, रात होते होते 10 रुपये भी चले गए, क्या स्टार्टअप करे कोई। और ये देख लो बिल्डिंग देख लो यहाँ की कितनी अच्छी अच्छी है, मन करता है ऊपर चढ़ के कूद जाऊँ इसी बिल्डिंग से, सबसे बड़ी वाली है। भाई कुछ दिन में तुम्हें पागल दिखूंगा मैं, एकदम पागल पागल हो गया हूँ, सब लोग कहेंगे हाँ यहाँ रहता था बहुत अच्छा लौंडा था, वहाँ चला गया पागल हो गया साला। अरे यार 10 मिनट की बारिश में ये हाल है पुणे का, बाकी मौसम तो अच्छा है भाई। बैठे बैठे एक स्टार्टअप मेरे दिमाग में आया है कि जैसे दिन भर में 500 गाली तो खाते ही हैं कंपनी में, तो क्यों ना बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के बाहर खड़े हो जाएं और अपना एक वो कैनोपी लगा दे कि इतने रुपए में आप फ्रस्ट्रेट होके मेरे को तमाम गाली दे सकते हैं, तो कम से कम गाली खाने का पैसा भी मिलता रहेगा, और सही है ना। हाँ, और ऐसा मुंह देख के कोई कंटाप भी मार सकता है तो उसका हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे चट से, तो ये सही है ना बे, आइडिया तो तुम सही लोगे यार, कंटाप आइडिया सही है, काम करते हैं इसका, पहले ट्रायल फेस चलाते हैं। हाँ ट्रायल करते हैं, ट्रायल में प्रांजल खड़ा हुआ हमारा क्लाइंट है ये। हाँ हमारा क्लाइंट टू, हाँ तू ये को फाउंडर, तो ये स्टार्टअप है अगले हफ्ते से लगते हैं इस पर, ठीक है। और टारगेट कुछ नहीं है, दिन में जितनी क्षमता हो उतनी खाली खा लो, अगर ज्यादा हो तो जूता उता भी बगल में रख दिया जाएगा, अब तो ठीक है ऑफर, अब तो कम कर दिया, उस पे इंसेंटिव मिलेंगे, अब वो सोचिए एक हो गई फिक्स्ड सैलरी सिर्फ थप्पड़ खाने की, अरे सिर्फ सॉरी गाली सुनने की, एक हो गई वो वेरिएबल जो तुम अगर लप्पड़ खा रहे हो जूता खा रहे हो तो वो सब, तो कम से कम दिमाग को एक सुकून रहेगा यार कि चलो इतना मैंने सुना बट इसका लिए मेरे को कुछ मिला।
तो ये सही है, करते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को एड्रेस मिलेगा, एक एड्रेस मिलेगा, आप लोग भी आ सकते हो करियाने के लिए। जो भी मन हो तुरंत आओ, तुरंत आओ, गाली दो, फ्रस्ट्रेशन उतारो और चले जाओ। जिंदगी में बस एक ये नज़ारे ही खूबसूरत रह गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। यार मैं तो अभी नहीं सोऊंगा, फिर रात में नींद, एक तो शेड्यूल अभी भी ख़राब है, रात में नींद नहीं आती है। नहीं तो मेरे को कोई बोल देता सिक लीव ले लो, मैं तुरंत चट से बोलता हाँ यार चलो ले लिया जाए। मैं इसलिए तो नहीं बोला, चक्कर आता था ये। हाँ मुझे ले लेंगे हम लोग, हालत ही नहीं थी सुनने की। नहीं देखो ये भी मिडिल फिंगर दिखा रहा है। कितने बजे? 3 बजे तो सोए हैं। ये देखो गाइस, ये है हमारे 7th फ्लोर से व्यू, क्योंकि 7th फ्लोर पे अपना मैस है तो हम यहीं पे खाने आते हैं। तो आज सोचे चलो थोड़ी देर बालकनी में खड़े होके एंजॉय कर लेते हैं, और कुछ तो बचा नहीं एंजॉय करने के लिए, तो यही देख लें, नज़ारे देख लें। वहाँ पीछे पहाड़ भी है, उधर वो दिख नहीं रहा है। अबे कहाँ ऐसे करते हो बे तरुण, कैमरे में आ जाओ, कुछ हो जाएगा क्या? हाँ सो लेगा 10 बजे। अच्छा 10 मिनट लगेंगे सोने में। हाँ तुम अबे मोटे लोग को सालक बहुत कम टाइम लगता है बे सोने में, मैं देखा हूँ। फोन साइड में रख देगा तो नींद आ जाएगी भाई, सुअर जल्दी सो जाते भाई, बात तो है। हाँ तो सुबह कैसा लगता है उठ के, जल्दी सोते? अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठ के। और फिर जब ऑफिस पहुँचते हो तो कैसा लगता है? 12 घंटे की बात चलती है तो वही है, 10 मिनट के लिए अच्छा लगवा के क्या करोगे भाई? अबे खुद शरीर तो थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। हाँ शरीर, तुम्हारा शरीर रिलैक्स करने की जरूरत है, तुम इसको शरीर रिलैक्स करने की जरूरत है अभी भाई। नहीं भाई शरीर रिलैक्स करने की जरूरत है भाई को। गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम इस बिल्डिंग से, इस माले से ना कूदें तो हमें फेमस करो, और इतना फेमस कर दो कि हमें नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, समझे? या मेंबरशिप खरीद लो। हाँ या मेंबरशिप खरीद लो हमारी, उसकी कि कम से कम 1 महीना हम लोग इस कंपनी में टिक जाएं, सैलरी आ जाए। हाँ सैलरी भी अलग बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक बार बस पिच कर दिए तुरंत अपनी से। तो भाई या तो मेंबरशिप खरीद लो हमारी, या तो मेरे को फेमस कर दो कि मेरे को एक काम वाम ना करना पड़े, फालतू सा, मतलब फालतू सा नहीं बोल सकते, कंपनी वाले देख लेंगे तो फिर कहेंगे साले तुम ऐसे प्रमोट करते हो मेरी कंपनी को। अच्छा काम है, अच्छा काम है। तो यार फेमस करवा दो यार, कम से कम मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा तुम लोग को, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा यार। क्या जा रहा है लाइक करने में, शेयर करने में, किसी को सब्सक्राइब दबाने में, कुछ हो रहा है तुम्हारा? बताओ कुछ हो रहा हो तो बता दो, और तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, तो तुम भी कर दो यार। ये देखो अंदर पापा क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, और आंटी जी कितने, मम्मी कितने अच्छे से पापा पाल रही हैं बच्चों को, सुलाने का एक तरीका अंकल जी का है। पूरा वो हमें लग रहा उठा फेंक देगा अभी बाहर का, भाग साले। सोना है सो, बाप सोएगा नहीं साले, दो तमाचा दान दे पापा सो। वो चला गया लौंडा, चला गया भाग साले, पागल पागल दो गाली दे पाएगा स्टेप डैडी। वो कम नहीं है साला, फिर गया है बाप के पास अपने। नहीं आ गया गाइस, एक और आइडिया आया दिमाग में कि अगर 9 बजे के पहले तुम्हें पुणे देखना है, सुबह का पुणे, और फिर 7 बजे के बाद का पुणे देखना है, तो मेरे को बताओ मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊं, क्योंकि बीच वाले पूरे दिन में मैं तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं सकता पुणे में क्या है, मैं क्या हूँ वो मैं नहीं दिखा सकता, मैं कितना बड़ा सुअर हूँ कंपनी का मैं वो नहीं दिखा सकता तुम्हें, तो पुणे तो बहुत दूर की बात है कि दिखा, लेकिन बताओ जरूर यार, क्योंकि भाई काम तो चाहिए मुझे, काम तो चाहिए। तुम लोग भी टास्क दे दोगे, क्या पता तुम लोग रोज़ मेरी वीडियो देख रहे हो, वैसी चलता गया तो मैं क्या पता कुछ मोनेटाइज ऑनेटाइज करके इसमें कुछ करूं, क्योंकि यार कॉरपोरेट में तो 1 हफ्ते में पता चल गया क्या होना है मेरा, एक हफ्ता भी नहीं हुआ अच्छे से साला। बताओ यार फिर शीशा को फोड़ेगी और कैसे होता है? हमारे तो शीशा है पूरा, पागल हो गया शीशा है पूरा, विंडो खोलने तो शीशा उतार के नीचे फेंक दो कि मैं कैसे, बताओ कैसे करते हो यार? खुलता कैसे? जैसे मेरे को हवा चाहिए, जैसे तुमने पास दिया रूम में एकदम से, तुमसे उम्मीद भी है।
कोई मर क्या होता है क्या होता है लैच उससे फ्लैट है क्या क्या तेरा फ्लैट है हाँ अच्छा तभी ना बेटी चोर कि आठवें माले में कोई बैठी तो घुसेगा नहीं तभी तुमको कर लेते हो कौन घुसेगा यहाँ से बताइयो अरे मच्छर नाम की कोई चीज होती है बेटी चोर तुम तो वैसे इतनी ऊंचाई में मच्छर कौन से आते हैं बता दे आते हैं भाई इतनी ऊंचाई पे तो दिल्ली के नाले में रहते वहाँ तो और पता होना चाहिए तुम्हें मच्छर अच्छा आजकल हर लोग एडवांस हर चीज एडवांस हो गई है मच्छर कहो पहुंच जाए और ऊपर तक अबे मोर्टिन के तो ऊपर मच्छर बैठ के आग मूंदते हैं कि साला आओ मार के दिखा हाँ वो ऊपर ग्यारहवें माले पे मच्छर नहीं चढ़ सकते हैं अबे चूतिया बोल दे एक बार दम वहां से दम लगा के चूतिया बोल दे एक बार अबे नहीं एक बार जोर से अगर चूतिया बोल देना यहाँ पे ऑक्सीजन कमी हो जाएगी चूतिया मुंह पे चूतिया गिरो जाके दो तीन किलोमीटर दूर सही में अबे क्या किया अबे तरुण यार टाइम हो रहा है भाई सोना नहीं है क्या हेलो सुबह फ्रेश उठना है ना तेरे को तो चल सो चल अभी तो टाइम है कल बैठ तेरे को 10 बजे सुलाना अबे और नीचे एक राउंड घूमा जाए टहलने साला अबे तुम्हें अच्छा इसका कंपनी में कार्डियो ज्यादा हो जाता है ना बॉस के साथ तो अब क्या जरूरत है टहलने वहलने की सही है हाँ तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी है क्योंकि एंडिंग मैंने नहीं की थी उस दिन वीडियो की तो अभी इसको एंड करता हूँ और आगे बहुत सी चीज़ें हुई हैं मैं नोएडा भी आ गया हूँ तो मैं नोएडा कैसे आया एंड क्या क्या हुआ सब बताऊँगा आगे की वीडियोस में तो वीडियो देखते रहना और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना मन करे तो शेयर भी कर देना एंड मिलता हूँ जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए जय श्री राम।